अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जनाब? उम्मीद है तुसी ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह दे फजलो करम नाल मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह नाश्ते की रूटीन से। 6:30 बजे का टाइम है और मैं बना रही हूँ यहाँ ऑमलेट, फिर बनाऊँगी पराठे और साथ बन रही है चाय। बस हूँ रूटीन चेंज हो गई है क्योंकि बच्चों ने जाना करना स्कूल, तो स्कूल प्रॉपरली खोल चुके ने। यहाँ फातिमा अलीज़ा जो है ना वो ड्राइंग रूम में खड़े होकर अपने बाबा का वेट कर रही हैं, तो बाबा साहब भी आ गए ने आज जी। ये देखे आज आ वे तैयार है तो छड़न जाना बच्चों। सुबह मैं ना बच्चों को स्कूल भेज के फिर 2-2.5 घंटे बड़ा सुकून से सोती हूँ। मैं सारे दरवाजे लॉक शॉक करके चाबी कील साहब नूं दे देनी हाँ, ताकि जरा खट खटैया ना ना होए। तो फिर जब वो आते हैं तकरीबन वो अब चले जाएंगे तो अपने काम पे, उसके बाद 11:30 बजे मुस्फा को लेके आएंगे घर। मुस्फा को 11:30 बजे मतलब छुट्टी हो जाती है, बच्चों को लेट होती है बड़े बच्चों को। फिर मैं 11:30 बजे उठ के तो नाश्ता और अपना नाश्ता मतलब, और फिर दोपहर का खाना शाना, क्योंकि बच्चे भी फिर 1 बजे तक आ जाते हैं। लेकिन 11:30 बजे तक इन्ना कि सुकून वाली नींद आती है जी, रात को भी नहीं आती। तो वो जो 2-2.5 घंटे ना वो मुझे बड़े मज़े के लगते हैं कि सुबह उठ के फिर सारे काम करने के बाद दोबारा सोना। और तो जनाब अज साडा आ गया जे बिल, तो तुहानू पता कि बिल आया साडा। छोटी जी साड़ी फैमिली है, एक साड़ा एसी है, तो फिर भी 18,000 बिल आ गया सानू। लेकिन कोई गल नहीं, लोगों इस तो भी बड़े ज़्यादा आए हैं, 35-35 हज़ार तो 40-40 हज़ार। तो मैं वही अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा बस गर्मियाँ के 2-3 महीने एसी तो बिल आंदा है। लेकिन ये वे कि हम बच्चे भी गर्मी तो बगैर एसी तो बगैर आ सकते ना, गर्मी इन्नी कि आ वाली जी गर्मी है ना एंड वाली जान वाली, ये बहुत ज़्यादा जी है ना जान लैन वाली गर्मी का, वो कि किचन से 2 मिनट चल जाओ तो हशर नशर हो जाता है। यहाँ पे जनाब मैं आज कद्दू गोश्त बना रही थी, तो मुस्तफा आने वाला था, मैं कहा चलो हांडी पका लाँ, फिर बच्चे भी उस तो बाद आ जाना। तो आज बिल का दसन का मकसद यही कि इन्नी कि ज़्यादा महंगाई हो गई है कि पहला लोग 10,000 ना 12,000 ना पूरा महीना गुजारा कर लेंगे सी, तो हूँ पहला 20-25-30 हज़ार तो बिल जमा करा देना, तो बाकी खर्चा एक तरफ। तो बस जी जिंदगी का हिस्सा ने चीज़ा कहते ने, हूँ एक वक्त आना है कि घर जिन्ने अफराद होंगे उन्ने ही कमाया करेंगे तो गुजारा होना है। तो मेरे ख्याल में वो वक्त जो है ना वो अन करीब आने वाला है। तो आज जो है ना नाश्ता सुबह जैसे ऑमलेट बना था पराठे, तो अकील ने भी सुबह ही नाश्ता कर लिया, मैंने भी थोड़ा सा पराठा सुबह चाय के साथ खा लिया था। तो अब मैं सालन के साथ जल्दी जल्दी काम जो है ना सारे ख़त्म कर रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे आने वाले सी, तो फिर उन्होंने ना भूख से बर्दाश्त भूख नहीं होती। तो मैंने साथ ही हांडी बनाई, साथ ही आटा गूंदा, मैंने कहा जल्दी जल्दी रोटियां भी बना लूं। तो आज मेरे वाल सना भी आई सी, मैं क्या आ जा वापस काम पर, कहती हूँ मैं किसी और दा कर रही हाँ, फिर उन्होंने छड़ांगी तो वापस आवांगी। लेकिन फिर मैं इन्ना ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि 2-2.5 घंटे तो मैं सुबह सो लेनी, फिर सारा दिन तो मेरे को फ्री हुंदा है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल तो अकैडमी तो कारी साहब तो इन रूटीन से, तो फिर की करना हुंदा कल्या भी। आज मैं अपनी अम्मी से जनाब फ़ोन पे साथ साथ हांडी बना रही थी तो बात कर रही थी, तो ये बात मैंने पहले सुनी थी, तो अब मुझे इस बात पे यकीन हो गया कि जब इंसान बुज़ुर्ग हुंदा है ना उदो फिर बच्चों तरह की हरकत करने लग पैंदा है, कि बच्चों तरह गल्लां दसदा है अगले नूं, तो उहदी कोशिश हुंदी है कि बच्चों तरह उन्हें ट्रीट किया जाए। तो जो मैं साडे दोनों भैणों की यही मतलब रूटीन है कि असीं सुबह जो उठने हैं ना तो नाल नाल काम शुरू करन तो पहले अम्मी का नंबर मिला के हाल चाल पुछना की कर रहे हो की। तो आज जब मैंने अपनी अम्मी का नंबर मिलाया तो मेरी अम्मी ने पूरी तफसील से ना मुझे बातें
हाँ बेटा, आज मैं वो वाले घर का काम करवा रही थी तो वहाँ गई, तो फिर सीमेंट वाले की तरफ गई, तो फिर पेंट वाले की तरफ, फिर उसने इतने पैसे लिए तो उसको मैंने ये दिया और ये किया और ये, तो मतलब वो तकरीबन अगर आधे घंटे की भी बातें हैं तो हमें कई बातें जल्दी में मम्मी बोलती हैं, नहीं भी समझ आए तो हम कहते हैं हाँ जी मम्मी ठीक है, अच्छा ठीक किया, अच्छा किया। तो ये कि ये रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हमने ही टाइम देना होता है और हमने ही इनकी सुननी होती है, और हमने दोनों बहनों ने मतलब ऐसी तो ज़िंदगी जो रूटीन बनाई है कि सुबह उठ के जो काम शुरू करना है नाल ही अम्मी का नंबर मिला लेना है कि उन्होंने अज रूटीन की है तो की उन्होंने कीता है तो की कहना है। जनाब इतने मुस्तफ़ा भी स्कूलों आ गया सी, तो आज फर्स्ट डे था मुस्तफ़ा का, तो इसलिए ये बालू शालू बना हुआ है। इसके बाबा को मैंने कहा इसके कपड़े चेंज करें तो मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी अम्मी की यही होती है कोशिश कि कोई उनकी बातें सुने। अब वो इशारों के साथ मेरे भाई और भाभी से बातें तो कर लेती हैं, लेकिन जो वो मुंह से करने वाली बातें होती हैं कि कई जल्दी जल्दी तफसील से, तो वो हम दोनों बहनों के साथ ही उन्होंने करनी होती हैं। तो ऐसे कई दफ़ा अपनी अम्मी ना फिर ज़रा कह देने हैं कि मैं इन्नी गर्मी से, तुम इन्नी गर्मी च की लैन गए बाहर या क्यों गए, तो वो फिर कहते अच्छा मेरे मेरे अपने बाहर लेने काम होंगे ने करने होंगे ने। लेकिन मैनू फिर बड़ा ज़्यादा शिद्दत नाल ना अज अपने अबू की कमी बड़ी महसूस हुई कि मैं सोच रही सी कि अगर अबू साढ़े अज जिंदा होंदे तो साड़ी ज़िंदगी किवें दी होनी सी, मतलब मेरी लाइफ की चेंज होना सी या मेरी सिस्टर दी या भाई दी, स्पेशली अम्मी दी लाइफ। तो मैं फिर वो ना सोचती सोचती वही 17 साल पिछे चले गई अपनी शादी तो ही, मतलब शादी के करीब करीब ही, क्योंकि मेरी अम्मी लोग मेरी शादी तो बाद शिफ्ट होए मेरे अबू की डैथ तो बाद शहर। मेरे अबू ने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी ची दोनों घर भी शहर बनाए थे, लेकिन वो कहते होते थे मैंने शिफ्ट नहीं होना, जो मर्ज़ी जो बच्चे रहें उधर जाएं आएं जो मर्ज़ी मैंने इधर ही रहना है। तो हम कह रहे मैं सोच रही थी कि नहीं मेरे अगर अबू होते तो वो सब गांव में ही होते, फिर मैं गांव में रहने जाती, मेरे बच्चे गाँव में इंजॉय करते। तो बस यही बातें ख्यालों ख्यालों में मैं कहाँ कि कहाँ पहुँच गई, क्योंकि जेड़े पिंडा के रहने वाले लोग होंगे ना वड्या वेड़िया वाले तो वड्या डेरियादारियों वाले, उन्होंने शहरों आ के रहना बड़ा मुश्किल होंगे। शुरू शुरू मेरी अम्मी को भी बड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन जब जिस मोहल्ले में अब मेरी अम्मी रह रही है ना वहाँ हमारे और रिलेटिव्स भी बड़े शिफ्ट हो गए गाँव से ही, एक हमारे नेबर थे वहाँ वही इधर भी, और फिर मेरी कज़न और सब, और इतना उनको फील नहीं होता, और फिर मेरी अम्मी पे माशाल्लाह इतना वो घर की बाहर की जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं कि वो सारा दिन बिज़ी रहती हैं। तो बस ये है कि मैं बात नॉर्मली ये कर रही थी कि ज़िंदगी में जो रिश्ते चले जाते हैं ना आपके, उनकी कमी हमेशा रहती है, ये नहीं कि वो वक्त के साथ आपको भूल जाते हैं या वो दुख पुराना ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो चीज़ां थोड़े नाल बिल्कुल जुड़ जांदियां ने हर मौके पे हर मतलब। अब मेरी बेटी का माशाल्लाह का रिज़ल्ट था जी, वो बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे बड़ा ये चीज़ याद आई कि अच्छा अगर मेरे अबू को मैं फ़ोन करती तो उनका क्या रिएक्शन होता। फिर जब मेरा बेटा पैदा हुआ था 10 साल बाद बेटियों के, मतलब वो मेरा बेटा पैदा हुआ था, तब मुझे बड़ा ये चीज़ फील हुई। तो जब घर में कोई मेरी भतीजी पैदा हुई फिर मुझे बड़ा, अब वैसे भी हम अपनी अम्मी से कोई बात कर रहे हो तो हम कहते हैं अच्छा हाँ जब अबू होंगे तो इंज होंगे, तो ये कहने की बातें होती हैं कि जी जैसे जैसे टाइम गुजर जाता है वो भूल जाते हैं रिश्ते, या वो रूटीन रूटीन तो दूसरे दिन ही सही हो सीधी हो जाती है, किसी के जाने से रूटीन थोड़ी बदलती है, सारे काम वैसे ही होना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ वैसे ही सैट हो जाती है। हूँ तो अजकल ये टाइम है कि लोग पहला कुल तो दसवें तो सातवें तो रखी कुछ करवाते सी, हूँ तो जिदन आते ने उस दिन घरों घर, क्योंकि दुनिया मसरूफ है नहीं है। लेकिन रूटीन की बात नहीं, रिश्ते जो है ना वो नहीं भूलते आपको, उनकी कमी उनका एहसास पूरी ज़िंदगी शिद्दत के साथ आपके साथ रहता है और जुड़ा रहता है, और स्पेशली छोटी छोटी चीज़ों में कोई मौक़ों में तो वो आपको याद आते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला सबके रिश्ते सलामत रखे, स्पेशली माँ बाप के, बेटियों के लिए कहते हैं लेकिन बेटों के लिए भी माँ बाप का होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये एक अटैचमेंट होती है एक जी। अब हमें तो अपने अपने घरों में, मैं भी बड़ी मसरूफ़ हूँ, सिस्टर भी भाई भी अपनी लाइफ में, अम्मी के भी माशाल्लाह बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि मेरी अम्मी ज़िंदगी में, हम लोग इसी बात का शुक्र अल्लाह ताला का अदा करते हैं कि वो किसी के मोहताज नहीं है और किसी चीज़ की कमी नहीं है, अपने घर में सुकून से ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन ये एहसास ज़रूर होता है कि
अगर अब्बू होते तो उनकी लाइफ थोड़ी सी चेंज होती, ज़्यादातर चीज़ें वो मेरे अब्बू के मतलब सारा कुछ उनके हाथ में होता, सारा बड़ा जिम्मेदारी को निभाना ले के रिश्तों को चलना बड़ा मुश्किल होता है, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। तो बस मैं आज यही सारा दिन की मेरी रूटीन थी और मैं आपसे ये शेयर कर रही थी कि आज मुझे किस हवाले से अपने अब्बू याद आए और क्यों। बस छोटी सी बात, एक ख्याल जहन में आया और आता आता वो कहेंगे कहाँ चला गया जी। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत में जगह दे और मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदरुस्ती दे। ते माँ प्यो दे नाल पेके होंदे ने तियां दे, ते वैसे मेरा भाई अल्लाह ताला जिंदा रखे उन्होंने भी जी।